अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इब्राहिम, आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज जुमे का दिन है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिन है। जुमे के दिन क्या कहते हैं, जुमा पढ़ने के लिए सब लोग जाते हैं, नहाते हैं। ये भी एक किस्म का, यानी कि शावर लेके साफ़ सुथरे होके जाते हैं। ये भी एक किस्म का दिन जो होता है, ये हमारे लिए ईद का दिन ही होता है। तो जैसे हमारी छोटी ईद, बड़ी ईद होती है, मीठी ईद, तो वो वाली ईद, दो ईदें होती हैं, ये भी ईद होती है, जुमे वाला दिन भी। तो अभी मैं शावर ले लिया, रेडी हो गया, जुमा पढ़ने जा रहे हैं। साथ ये अली है, छोटा भाई मेरा, फार्म हाउस पे आया हुआ था। तो अभी हम लोग जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं। और ये दूसरा न्यू बाइक ली थी, ये बाइक पे जाएंगे। तो ये बाइक का मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा तकरीबन एक दो दिन तक, ताकि मैं ज़रा फ्री हो जाऊँ। फ्री हो के तो तब आपको इसका रिव्यू करवाऊँगा, अच्छी तरीके से दिखाऊँगा, बताऊँगा कितने के लिए, कितने के नहीं। चलें अभी सफ़र स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा व्यू बाइक का आपको दिखाऊँगा, विलेज एरिया का। विलेज एरिया में जो मॉस्क मस्जिद बनी होती है, वहाँ पर जाके मैं जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और जो न्यू है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी हो वो इजीली आपको मिल सके। तो चलें अली, चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो कितनी सारी शाइन पड़ रही है। ये शाइन इसलिए कि धूप बहुत तेज़ है, जुमे वाले दिन लाजमी धूप बहुत तेज़ होती है। और लोग जो हैं जुमे वाले दिन, जो बारिश वाले दिन, घर में कपड़े धो लेते हैं और अपने रूप पे, छत वगैरह पे डाल देते हैं ताकि सूख जाएं जल्दी जल्दी से, क्योंकि जुमे वाले दिन बहुत तेज़ धूप लगी है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़, यानी कि मुँह पर लग रही है और बहुत ही यहाँ ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। लेकिन जुमा पढ़ने जा रहे हैं तो फिर हम ऑकवर्ड फील नहीं करेंगे, तो जुमा पढ़ने चलते हैं। बस पहुँच गए मस्जिद के पास। ये फ्रेंड्स, ये मस्जिद में जुमा हो गया, सलाम उन्होंने कर लिया। तो अब आगे एक मस्जिद है, विलेज एरिया है इस साइड पर, तो उधर चलते हैं, उधर पता करते हैं। अगर उधर जुमा ना हुआ हुआ तो फिर उधर चलते हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से, तो अभी चलते हैं वहाँ पे, वहाँ पता करते हैं। अगर वहाँ पे जुमा ना हुआ तो वहाँ पर पढ़ेंगे इधर एक मशीन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पे मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच वगैरह, उनके लिए वो स्प्रे करने लगे हैं। फोक सी बन जाती है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर कोई केमिकल डाले हुए हैं। तो उसके लिए हम मास्क पहन के जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे उसके साथ स्प्रे करते हैं और कैसे उससे मच्छर वगैरह मरते हैं। और जो भी, यानी कि गंदगी, आजकल डेंगू है इसलिए ये स्प्रे कर रहे हैं, ताकि डेंगू वगैरह और जो मच्छर हैं वो मर जाएँ। ये मशीन है, ये देखें, यहाँ पे ये रोड लगा हुआ है, यहाँ से रोड गर्म होता है और इधर से पुश करके पंप करते हैं, तो फिर यहाँ से जो अंदर लिक्विड फॉर्म में दवाई है वो यहाँ से निकलती है, इधर जलती है और आगे फिर ये धुआं निकाल देती है। और अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं, ये नीचे सिलेंडर लगा हुआ है, ये अभी यहाँ से ऑन हो गया, ये आग चलना शुरू हो गई है। अब इसे चला के दिखाएंगे आपको, ये ऐसे सारा ही इधर, यानी कि जो भी मच्छर हो, कीड़ा हो, जो भी चीज़ हो, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसके लिए मास्क होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी डेंजरस है ये,
तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं वापस आ चुका हूँ। मास्क पहना था फिर भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।